डार्क एनर्जी एक ऐसा फैक्टर है जो ब्रह्मांड में हर चीज के मौजूद होने का सबसे बड़ा कारण है, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि खुद ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान डार्क एनर्जी का है। पिछले एपिसोड में हमने डार्क मैटर के बारे में विस्तार से जाना है और यह भी जाना कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, लेकिन इस 95% हिस्से में सिर्फ 27% ही डार्क मैटर है और इस पूरे ब्रह्मांड का 68% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ डार्क एनर्जी से बना है। इन आंकड़ों को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए डार्क एनर्जी का मौजूद होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आइए डार्क एनर्जी को विस्तार से जानते हैं। हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इस बात का खुलासा सबसे पहले एक अमेरिकी खगोल विज्ञानी एडविन हबल ने सन 1929 में किया था। इसके बाद से ही कई वैज्ञानिक इस चीज को कैलकुलेट करने में लग गए कि हमारा ब्रह्मांड किस स्पीड से फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है और दूर जाने से रोकता है। इसीलिए लोग मानते थे कि हमारे ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड भी धीरे धीरे कम हो रही होगी। इसी को आधार मानकर 1990 में वैज्ञानिकों की दो टीम ने एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। वो यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड कितनी तेजी से कम हो रही है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो ऑब्जर्व किया वो वाकई में सबको हैरान करने वाला था। वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड कम हो ही नहीं रही थी, बल्कि इसके फैलने की स्पीड समय के साथ बढ़ती जा रही थी, यानी कि ब्रह्मांड अब और तेजी से फैल रहा था। यह एक ऐतिहासिक खोज थी जिसके लिए तीन वैज्ञानिकों को सन 2011 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इस खोज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई इनविजिबल एनर्जी है जो ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड को बढ़ा रही है। कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके स्पीड के बढ़ने का कारण एक रिपल्सिव फोर्स है जो क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से जनरेट होता है, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि यह एनर्जी एम्प्टी स्पेस की वजह से जनरेट होती है और ब्रह्मांड के फैलने के साथ साथ यह एनर्जी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस एनर्जी के लिए कोई सटीक नाम न होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी इनविजिबल एनर्जी को नाम दिया डार्क एनर्जी और इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को नाम दिया गया क्विंटेसेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि डार्क मैटर के इनविजिबल होने की वजह से हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक इसी तरह डार्क एनर्जी के बारे में भी हम अभी बहुत कम जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और दोनों का काम एकदम अपोजिट है, क्योंकि जहां डार्क मैटर अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं डार्क एनर्जी रिपल्सिव फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी को अलग अलग तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है, इसीलिए अब हम ऐसी तीन संभावनाओं को डिस्कस करेंगे जो डार्क एनर्जी को समझने के लिए दी गई है। पहली संभावना के अनुसार डार्क एनर्जी स्पेस की एक प्रॉपर्टी यानी कि खासियत है। इस बात को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझा था कि स्पेस नथिंग नहीं है, यानी कि जब हम बात करते हैं कि किसी जगह पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि उस जगह पर स्पेस भी मौजूद नहीं है, क्योंकि एम्प्टी स्पेस भी ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी चीजों की ही तरह एग्जिस्ट करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अभी और ज्यादा एम्प्टी स्पेस के अस्तित्व में आने की संभावनाएं हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में हमें एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट देखने को मिलता है जो यह दर्शाता है कि एम्प्टी स्पेस की खुद की एनर्जी होती है, और जैसे जैसे एम्प्टी स्पेस अस्तित्व में आता जाएगा उसके साथ साथ यह एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और इस एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। दूसरी संभावना के अनुसार डार्क एनर्जी एक तरीके का एनर्जी फ्लूड या फिर फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन इसका काम मैटर और नॉर्मल एनर्जी से उल्टा है।
और इसका नाम है क्विंटेसेंस। वैज्ञानिकों ने इसे पांचवा फंडामेंटल फोर्स कहा है। तो अगर डार्क एनर्जी की परिभाषा या फोर्स है, तो भी अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये फोर्स किन चीजों से इंटरेक्ट करता है, या फिर ये डार्क एनर्जी या फोर्स आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। तीसरी संभावना के अनुसार आइंस्टीन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ही सही नहीं है। इस थ्योरी के हिसाब से अभी हम ग्रेविटी के सभी प्रॉपर्टीज को जानते ही नहीं। इसे पूरी तरह से समझने के लिए एक नई थ्योरी की जरूरत है, जिसकी मदद से हम डार्क एनर्जी को भी ढंग से समझ पाएंगे। तो अगर ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए सच में हमें किसी नई थ्योरी की जरूरत है, तो अब सवाल उठता है कि नई थ्योरी कैसी होगी और ब्रह्मांड में मौजूद चीजों के मोशन को नई थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी। अभी मैंने आपको डार्क एनर्जी की तीन संभावनाओं को समझाया है, लेकिन अभी हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत। डार्क एनर्जी के बारे में अभी हमें बहुत कुछ समझना बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।